हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी लेक्चर में। चले फ्रेंड्स, आज के इस नए वीडियो में यूपी पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2023 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बताने वाले हैं, जो कि आपके एंट्रेंस एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये फ्रेंड्स आपके 100% यही प्रश्न आएंगे इस बार। तो फ्रेंड्स, आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। यदि फ्रेंड्स आप मेरे चैनल पर नए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, जो आपका प्रश्न नंबर पहला दिया है फ्रेंड्स, कि निम्न में से अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण है। देखिए, ए ऑप्शन दिया वायु में ध्वनि तरंग है, बी ऑप्शन आपका दिया अंतरिक्ष में रेडियो तरंग है, और यहाँ पर सी ऑप्शन दिया प्रकाश किरण, डी ऑप्शन दिया और रक्त लाल विकिरण। देखिए फ्रेंड्स, जो आपका प्रश्न नंबर जो आपका पहला दिया है फ्रेंड्स, इसका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, वायु में ध्वनि तरंग है। अब देखिए फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर दूसरा जो आपका प्रश्न नंबर दूसरा दिया है कि निम्न में से किन तरंगों की आवृत्ति सबसे कम है। देखिए फ्रेंड्स, हम सबसे पहले समझते हैं कि आवृत्ति क्या होता है। फ्रेंड्स, आवृत्ति क्या होता है कि फ्रीक्वेंसी होता है, FREQUENCY जो होता है फ्रीक्वेंसी। आवृत्ति देखिए क्या होता है फ्रेंड्स, कि कंपन करती है कोई वस्तु एक सेकेंड में, क्या फ्रेंड्स, कि एक सेकेंड में जितने कंपन करती है उस कंपन उसको हम आवृत्ति कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, आपका ए ऑप्शन दिया क्षय तरंगे, बी ऑप्शन दिया गामा तरंगे, सी ऑप्शन दिया रेडियो तरंगे, और डी ऑप्शन दिया ध्वनि तरंगे। तो देखिए फ्रेंड, जो आपका प्रश्न नंबर जो आपका दूसरा दिया है, इसका सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, रेडियो तरंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर तीसरा, सरल लोलक के लिए यल व टी के बीच ग्राफ होगा। तो देखिए, ए ऑप्शन दिया परवल है, बी ऑप्शन दिया अति परवल है, और सी ऑप्शन दिया सीधी रेखा, डी ऑप्शन दिया नॉन, यानी कि इसमें से कोई नहीं। देखिए, जो आपका प्रश्न नंबर जो आपका तीसरा दिया है फ्रेंड्स, इसका सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, सीधी रेखा स्ट्रेट लाइन होगी। क्या होगा फ्रेंड्स, स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है, स्ट्रेट लाइन, ये सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर चौथा, यहाँ पर दिया है कि अनुप्रस्थ तरंगें बन सकती हैं। तो देखिए, ए ऑप्शन दिया वायु में, बी ऑप्शन दिया जल में, और सी ऑप्शन दिया फ्रेंड्स कि केवल जल के तल पर, डी ऑप्शन दिया केवल ठोसों में तथा जल के तल पर। तो देखिए फ्रेंड्स, जो आपका प्रश्न नंबर जो आपका चौथा दिया है फ्रेंड्स, इसका डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, केवल ठोसों में तथा जल के तल पर जो आपकी अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं बन सकती हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स दिया है कि प्रश्न नंबर पाँचवा, कि घड़ी की सुइयों की गति होती है। तो हमको बताना है कि जो आपकी घड़ी होती है फ्रेंड्स, वॉच, उसमें जो आपकी सुइयाँ होती हैं उनकी गति क्या होती है। देखिए, ऑप्शन दिया दोलन गति, बी ऑप्शन दिया आवर्त गति, सी ऑप्शन दिया सरल आवर्त गति, डी ऑप्शन दिया नॉन, यानी कि इसमें से कोई नहीं। देखिए, जो आपका प्रश्न नंबर आपका पांचवा दिया है फ्रेंड्स, इसका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, आवर्त गति होती है। क्या होती है फ्रेंड्स, आवर्त गति होती है। अब देखिए फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर सिक्स, देखिए जो आपका प्रश्न नंबर सिक्स दिया है कि जब ध्वनि विरल से संघनन माध्यम में जाती है तो बदलता है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ए ऑप्शन दिया आपका तरंग दैर्ध्य, बी ऑप्शन दिया आवृत्ति, सी ऑप्शन दिया आयाम, डी ऑप्शन दिया नॉन, यानी कि इसमें से कोई नहीं। देखिए, जो आपका प्रश्न नंबर जो आपका सिक्स दिया है फ्रेंड्स, इसका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, तरंग दैर्ध्य। तरंग दैर्ध्य को हम किससे प्रदर्शित करते हैं फ्रेंड्स, लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं, और आवृत्ति आपका एन होता है फ्रेंड्स, ठीक है, आयाम आपका ए होता है। क्या होता है फ्रेंड्स, एम्पलीट्यूड होता है। देखिए फ्रेंड्स, जो आपका प्रश्न नंबर जो आपका सिक्स दिया है, इसका जो आपका ए ऑप्शन दिया है फ्रेंड्स, ये आपका राइट हो जाएगा। यदि फ्रेंड्स वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। अब चलते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर सेवन। देखिए फ्रेंड्स, जो आपका यहाँ पे प्रश्न नंबर सेवन दिया है कि अनुप्रस्थ तरंगों में दो क्रमागत गर्तों के मध्य दूरी होती है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ए ऑप्शन दिया आयाम, बी ऑप्शन दिया अर्ध आयाम, सी ऑप्शन दिया तरंग दैर्ध्य, डी ऑप्शन दिया आवृत्ति। देखिए फ्रेंड्स, जो आपकी अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं उनमें दो क्रमागत जो आपकी गर्त होता है उसके मध्य की जो दूरी होती है उसको क्या कहते हैं। देखिए, जो आप प्रश्न नंबर सेवन दिया है, इसका सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, तरंग दैर्ध्य कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स, तरंग दैर्ध्य। अब देखिए फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर एट, सरल लोलक का चंद्रमा के तल पर आवर्त काल, देखिए ये ऑप्शन दिया शून्य हो जाएगा, बी ऑप्शन दिया घटेगा, सी ऑप्शन दिया बढ़ेगा, डी ऑप्शन दिया समान रहेगा। देखिए, जो आपका प्रश्न नंबर जो आपका आठवां दिया है फ्रेंड्स, इसका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, क्या होगा फ्रेंड्स, घटेगा। अब देखिए फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर नाइन, गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का मान निर्भर करता है। तो देखिए फ्रेंड्स, ए ऑप्शन दिया पिंडों के द्रव्यमान पर, बी ऑप्शन दिया पिंडों के बीच की दूरी पर, और सी ऑप्शन दिया समीप रखे अन्य पिंडों के द्रव्यमान पर, डी ऑप्शन दिया उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि जो आपका गुरुत्वाकर्षण नियम होता है फ्रेंड्स, एफ इज इक्वल टू कैपिटल जी एम वन एम टू, और बट्टे में क्या होता है फ्रेंड्स, आर स्क्वायर होता है। तो जो आपका बल होता है फ्रेंड्स, ये आपका क्या होता है कि द्रव्यमान, दो द्रव्यमान होता है फ्रेंड्स, इसके क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है, M1 M2 के। और जो आपका दूरी होता है फ्रेंड्स, इसके वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पिंडों के द्रव्यमान पर देखिए गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का मान किस पर निर्भर करता है। जब जी का मान ज्ञात करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ से देखिए, जब जी का मान ज्ञात करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एफ आर स्क्वायर, और बट्टे में क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, M1 गुणे M2।
क्या हो जाएगा एम वन गुणे एम टू। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स कैपिटल जी का मान आ रहा है एफ आर स्क्वायर पान में एम वन गुणे एम टू, तो गुरुत्वाकर्षण नियंत्रण जी का मान निर्भर कर रहा है किस पे, बल पर निर्भर कर रहा है। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स ये ऑप्शन दिया पिंडों के द्रव्यमान पर, और बी ऑप्शन दिया पिंडों के बीच की दूरी पर, सी ऑप्शन दिया समीप रखे अन्य पिंडों के द्रव्यमान पर, डी ऑप्शन दिया उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए फ्रेंड्स इसमें आपका बल दिया लेकिन इसमें बल का कहीं जिक्र नहीं है, इसलिए जो का प्रश्न नंबर जो आपका नाइन दिया फ्रेंड्स इसका डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। अब देखिए फ्रेंड्स प्रश्न नंबर दसवां, देखिए जो का प्रश्न नंबर दसवां दिया फ्रेंड्स यहाँ पे बोल रहा है कि उपग्रह में भारहीनता का कारण है। देखिए ये ऑप्शन दिया शून्य गुरुत्व, बी ऑप्शन दिया द्रव्यमान केंद्र, सी ऑप्शन दिया उपग्रह की सतह द्वारा शून्य प्रतिक्रिया बल, डी ऑप्शन दिया नॉन, यानी कि इसमें से कोई नहीं। देखिए जो आपका प्रश्न नंबर जो आपका 10 दिया है फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए जो आपका प्रश्न नंबर 10 दिया है इसका सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, उपग्रह की सतह द्वारा शून्य प्रतिक्रिया बल। अब देखिए फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 11 गुरुत्वाकर्षण बल है, तो देखिए ए ऑप्शन दिया प्रतिकर्षण बल, बी ऑप्शन दिया स्थिर वैद्युत बल, सी ऑप्शन दिया संरक्षी बल, डी ऑप्शन दिया असंरक्षी बल। देखिए फ्रेंड्स जो आपका प्रश्न नंबर जो आपका 11 दिया है फ्रेंड्स इसका सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, संरक्षी बल होता है। अब देखिए फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 12, देखिए फ्रेंड्स जो आपका प्रश्न नंबर 12 दिया है कि कृत्रिम उपग्रह में एक सरल लोलक का आवर्तकाल होगा। देखिए फ्रेंड्स आवर्तकाल जो होता है फ्रेंड्स वो आपका टी होता है, कंपन करती हुई कोई वस्तु एक कंपन में कॉन्ड्रे में जितना समय लेता है उसे हम उसका आवर्तकाल कहते हैं, टाइम पीरियड। देखिए फ्रेंड्स ये ऑप्शन दिया शून्य, बी ऑप्शन आपका दिया 2 सेकंड, सी ऑप्शन दिया 3 सेकंड, डी ऑप्शन दिया परिवर्तित नहीं होगा। देखिए फ्रेंड्स जो आपका प्रश्न नंबर जो आपका 12 दिया है फ्रेंड्स इसका डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, परिवर्तित नहीं होगा। अब देखिए फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 13, देखिए फ्रेंड्स जो आपका प्रश्न नंबर 13 दिया है फ्रेंड्स कि गोलीय कोष के केंद्र पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता इंटेंसिटी के मान हमको बताना है कि क्या होगा। ठीक है फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स ए ऑप्शन दिया जी एम बटा आर स्क्वायर, और बी ऑप्शन दिया जी, सी ऑप्शन दिया शून्य, डी ऑप्शन दिया नॉन। देखिए फ्रेंड्स गोलीय कोष के केंद्र पर जब भी आपका बोलेगा फ्रेंड्स सेंटर पे गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता, इसका मान देखिए फ्रेंड्स जो आपका प्रश्न नंबर 13 दिया इसका शून्य होता है, क्या होता है फ्रेंड्स शून्य होता है, इसलिए आपका सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स राइट हो जाएगा। अब चले देखते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 14, देखिए फ्रेंड्स जो आपका यहाँ पे प्रश्न नंबर 14 दिया है कि द्रवों में अणुओं की स्थिति होती है, तो देखिए फ्रेंड्स ये ऑप्शन दिया अनिश्चित, बी ऑप्शन दिया निश्चित, सी ऑप्शन दिया ए और बी दोनों, डी ऑप्शन दिया नॉन। देखिए फ्रेंड्स जो आपका लिक्विड होता है लिक्विड तो इसमें देखिए फ्रेंड्स क्या होता है द्रव में अणुओं की स्थिति क्या होता है, लिक्विड का क्या होता है फ्रेंड्स आयतन निश्चित होता है परंतु आकार क्या होता है फ्रेंड्स अनिश्चित होता है। यहाँ देखिए द्रव में अणुओं की स्थिति होती है, देखिए ऑप्शन दिया निश्चित, बी ऑप्शन दिया निश्चित, सी ऑप्शन दिया ए और बी दोनों, डी ऑप्शन दिया नॉन। ये जो आपका प्रश्न नंबर जो आपका 14 दिया है फ्रेंड्स इसका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, क्या होता है अनिश्चित होता है, जो द्रव में अणुओं की स्थिति होती है आपकी अनिश्चित होती है। ठीक है अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे प्रश्न नंबर 15, किन अवस्थाओं में वास्तविक गैस पी वी इजकल टू आर टी समीकरण का लगभग पालन करती है, तो देखिए ए ऑप्शन दिया उच्च दाब और उच्च ताप पर, बी ऑप्शन दिया निम्न दाब और निम्न ताप पर, सी ऑप्शन दिया निम्न दाब और उच्च ताप पर, डी ऑप्शन दिया उच्च दाब और निम्न ताप पर। देखिए फ्रेंड्स जो आपका प्रश्न नंबर जो आपका 15 दिया है फ्रेंड्स इसका सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, निम्न दाब और उच्च ताप पर। अब देखिए फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 16, एक आदर्श गैस का दाब, दाब का मतलब होता है फ्रेंड्स यहाँ देखिए पी दिया है आपका देखिए तथा उसके एकांक आयतन की गति ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे ई में परस्पर संबंध है, तो देखिए ए ऑप्शन दिया पी इज इक्वल टू में 1/3 और बी ऑप्शन दिया पी बराबर ई और सी ऑप्शन दिया पी बराबर 2/5 ई और डी ऑप्शन दिया पी इज इक्वल टू 2/3 ई। देखिए जो आपका प्रश्न नंबर जो आपका 16 दिया है फ्रेंड्स इसका डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, पी इज इक्वल टू 2/3 ई। अब देखिए फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 17, अणुगति सिद्धांत के अनुसार अणुओं के बीच संगठ होता है, देखिए ऑप्शन दिया पूर्णतः प्रत्यास्थ, बी ऑप्शन दिया अंशतः प्रत्यास्थ, सी ऑप्शन दिया पूर्णतः अप्रत्यास्थ, डी ऑप्शन दिया नॉन। देखिए फ्रेंड्स जो आपका प्रश्न नंबर जो आपका यहाँ पे 17 दिया है फ्रेंड्स इसका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, पूर्णतः प्रत्यास्थ होता है। ठीक है अब देखिए फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 18, देखिए फ्रेंड्स जो आपका प्रश्न नंबर 18 दिया है कि 27 डिग्री सेंटीग्रेड की अपेक्षा किस ताप पर गैस की गतिज ऊर्जा आधी हो जाती है, तो ए ऑप्शन दिया 13.5 डिग्री सेंटीग्रेड, बी ऑप्शन दिया 150 डिग्री सेंटीग्रेड, सी ऑप्शन दिया 150 केल्विन, डी ऑप्शन दिया 123 केल्विन। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर जो आपका प्रश्न नंबर जो आपका 18 दिया है फ्रेंड्स इसका सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, 150 केल्विन। अब देखिए फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 19, देखिए फ्रेंड्स जो आपका प्रश्न नंबर यहाँ पे 19 दिया है प्रश्न नंबर 19 कि यदि गैस का आयतन स्थिर बनाए रखा जाए तो ताप के बढ़ने पर गैस का दाब, तो ए ऑप्शन दिया फ्रेंड्स स्थिर बना रहेगा, बी ऑप्शन दिया फ्रेंड्स बढ़ेगा, सी ऑप्शन दिया घटेगा, डी ऑप्शन दिया फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए बढ़ेगा या घटेगा या गैस की प्रकृति पर निर्भर करेगा। तो देखिए फ्रेंड्स जो आपका प्रश्न नंबर जो आपका 19 दिया है फ्रेंड्स इसका बी ऑप्शन आपका हो जाएगा फ्रेंड्स बढ़ेगा, क्या होगा फ्रेंड्स बढ़ेगा। अब चलिए देखते हैं फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 20, देखिए फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 20, देखिए फ्रेंड्स जो आपका यहाँ पे प्रश्न नंबर 20 दिया है कि एकांक सदिश का परिमाण होता है, तो ए ऑप्शन दिया 1, बी ऑप्शन दिया 0, सी ऑप्शन दिया अनंत, डी ऑप्शन दिया नॉन।
यहाँ देखिए फ्रेंड्स, जो आपका यूनिट वेक्टर होता है उसका परिमाण रिजल्टेंट वैल्यू क्या होती है। देखिए जो आपका प्रश्न नंबर जो आपका 20वां दिया है फ्रेंड्स, इसका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा एक। अब देखिए फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 21, निम्न राशियों में कौन सी सदिश नहीं है, तो हमको बताना है कि इसमें से कौन सी सदिश नहीं है। तो ए ऑप्शन दिया गतिज ऊर्जा, बी ऑप्शन दिया त्वरण, सी ऑप्शन दिया रेखीय संवेग, डी ऑप्शन दिया विस्थापन। तो देखिए फ्रेंड्स, सदिश राशियों को पहचानने की जो ट्रिक होती है फ्रेंड्स, ट्रिक वो क्या होता है कि इसमें आपका फ्रेंड्स आधा तो भी आ सकता है, पूरा वह आता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए इसमें आपका वह दिया है पूरा, इसमें आधा तो वह दिया है, इसमें आपका पूरा वह दिया है, तो यानी कि ये आपका सदिश होगा। तो हमको पता नहीं कि इसमें सदिश नहीं है, तो आपका देखिए गतिज ऊर्जा में आपका कहीं भी वह नहीं आ रहा है। तो देखिए फ्रेंड जो आपका ए ऑप्शन दिया है फ्रेंड्स, ये आपका राइट हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 22, देखिए फ्रेंड जो आपका प्रश्न नंबर 22 दिया है कि सदिश राशि है, तो ए ऑप्शन दिया दूरी, बी ऑप्शन दिया चाल, सी ऑप्शन दिया वेग, डी ऑप्शन दिया द्रव्यमान। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी मैंने यहाँ पर बताया है कि देखिए आपका पूरा जब हुआ आता है, ठीक है, यहाँ पर देखिए तो के पास से पूरा हुआ आ गया, तो आपका सदिश है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, आपका दूरी में आपका वह नहीं है, चाल में भी आपका वह नहीं है, वेग में आपका पूरा वह है, द्रव्यमान में आपका आधा वह है। तो देखिए जो आपका प्रश्न नंबर जो आपका 22 दिया है फ्रेंड्स, इसका सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। सी यानी कि जो आपका वेग होता है फ्रेंड्स, ये आपका सदिश राशि होता है। अब देखिए फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 23, देखिए जो आपका प्रश्न नंबर 23 दिया है कि निम्न में से कौन सदिश राशि है, तो देखिए ए ऑप्शन दिया धारा, बी ऑप्शन दिया वैद्युत क्षेत्र, सी ऑप्शन दिया दूरी, डी ऑप्शन दिया आयतन। तो देखिए जो आपका प्रश्न नंबर जो आपका 23 दिया है फ्रेंड्स, इसका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, वैद्युत क्षेत्र। देखिए जो आपका सदिश राशि होती है फ्रेंड्स, अभी मैंने बताया है कि इसमें आपका पूरा वह आता है, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स आपका पूरा वह दिया है वैद्युत क्षेत्र। यहाँ देखिए आपका आ दिया आयतन, धारा दिया है दूरी दिया, तो इसमें आपका वह नहीं दिया है, इसमें आपका वह दिया है, तो आपका सदिश राशि हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 24, निम्न में से कौन अदिश राशि है, तो इसमें हमको बताना है फ्रेंड्स अदिश राशि क्या है, तो ए ऑप्शन दिया बल, बी ऑप्शन दिया वेग, सी ऑप्शन दिया विस्थापन, डी ऑप्शन दिया आयतन। देखिए फ्रेंड्स, इसमें आपका वह दिया है तो आपका सदिश होगा, इसमें विस्थापन दिया वह दिया है आपका सदिश होगा। अब देखिए फ्रेंड्स आयतन, आयतन में आपका वह नहीं दिया तो आपका क्या हो जाएगा, अदिश हो जाएगा। आप बोलेंगे फ्रेंड्स कि बल, तो बल आपका फ्रेंड्स आपका सदिश राशि होती है, क्योंकि बल एफ इज इक्वल टू फ्रेंड्स आपका होता है एम इंटू में ए होता है, ठीक है, तो ये आपका सदिश राशि होती है। तो आयतन फ्रेंड्स आपका अदिश राशि होता है, तो डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 25, शून्य सदिश की दिशा होती है, तो देखिए फ्रेंड्स ये ऑप्शन दिया निश्चित, बी ऑप्शन दिया अनिश्चित, सी ऑप्शन दिया दोनों हो सकती है, डी ऑप्शन दिया नॉन। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स जो आपका प्रश्न नंबर जो आपका 25 दिया है फ्रेंड्स, इसका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा अनिश्चित। और देखिए फ्रेंड्स प्रश्न नंबर जो आपका 26 दिया है, देखिए फ्रेंड्स जो आपका प्रश्न नंबर 26 दिया है कि दो समान वेक्टरों का परिमाण शून्य है, तो उनके बीच का कोण होगा, देखिए फ्रेंड्स ए ऑप्शन दिया 90 डिग्री, बी ऑप्शन दिया 180 डिग्री, सी ऑप्शन दिया 45 डिग्री, डी ऑप्शन दिया है 0 डिग्री। देखिए जो आपका प्रश्न नंबर जो आपका 26 दिया है फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा 180 डिग्री, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैंने आपको 26 सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन को बताया, जो कि आपके एंट्रेंस एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि फ्रेंड्स वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।